हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजी का एक टॉपिक है प्रदूषण, ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो हमारा था इकोलॉजी पारिस्थितिकी पर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने सारी पार्ट की लिंक दे रखी है, आप बायोलॉजी के सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के ये टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, एग्जाम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पिक कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है। तो वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक होता है लाइकेंस और मॉस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक होता है वो होता है सीसा, ठीक है, सीसा के कारण होता है वायु प्रदूषक, जिसमें मानसिक रोग होने का खतरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्योंकि ये आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक होता है, ये क्यों होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन से ये संयोग कर लेता है, जैसे कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और वातावरण में जो प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे सांस की लेने की वजह से अंदर चला जाता है और ये हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है, तो इस वजह से क्या करता है, ये बहुत ही खतरनाक प्रदूषण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला प्रश्न ये बनता है कि मुख्य वायु प्रदूषक है। तो मुख्य वायु प्रदूषक की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक माना जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि हरित गृह ग्रीन हाउसेस गैस कहलाने वाली गैसेस कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यही चार गैसें हैं जो ग्रीन हाउसेस गैसें कहलाती हैं, और भी गैसें हैं जिनके बारे में आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है, जो आपको याद रखने में काफ़ी ईजी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करेगा राइट आंसर का, तो हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो मैंने आपको ऊपर में जस्ट बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक प्रदूषक होता है, क्यों होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ये संयोग करके एक प्रदूषक बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स कौन सा, ठीक है। अगर हम लोग राइट आंसर की अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक को आप चाहे कितने दिन भी रख दो, बाहर फेंक दो, कचरे में डाल दो, ये क्या होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको हम लोग और निम्नीकरणीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग रबड़ की बात करें तो रबड़ कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो खाद्य पदार्थ तो मिट्टी में मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, ये सब क्या होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है किसके कारण, सीसा के कारण। जो प्रदूषक गाड़ी से निकलते हैं उनके गैसों में जो होती है सीसा, उसके वजह से हमारे तंत्रिका तंत्र काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर है कैडमियम, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेगा, कैडमियम के कारण ही इटाइटाई नामक रोग भी होता है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन देखिए क्या है, अगला प्रश्न ये है कि लोहे की खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें लौह स्खलित मैता रोग होने का कारण होता है। तो देखिए, उनमें जो ये रोग होता है लौह स्खलित मैता, इसका कारण क्या होता है, सिलिका, सिलिका के कारण होता है, जो लोहे के खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनमें ये रोग हो जाता है, किसके कारण, सिलिका के कारण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः कैसे हुआ है। तो वायुमंडल में CO2 का निर्माण हम लोगों के द्वारा जो सांस छोड़ी जाती है जीवों के श्वसन से, ठीक है, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनके श्वसन से CO2 का निर्माण
हुआ है। हम लोग सांस लेते हैं क्या, ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी से हमारे वायुमंडल में CO2 का निर्माण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये मार्बल कैंसर होता क्या है? तो मार्बल कैंसर का मतलब ये हुआ कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, अम्ल वर्षा जो होता है उसके मार्बल जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं, और इसी से वजह से जो का ताजमहल है वो उसका रंग थोड़ा फीका पीलापन होने लगा है, तो इसी को कहा जाता है मार्बल कैंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या करते हैं? तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत है, ओजोन स्तर है, वो पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रे है, उसको पूरी तरह से तो नहीं रोकता लेकिन बहुत कम कर देता है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से बहुत कम कर देता है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है ओजोन परत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान के अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण होता है। मैंने आपको जस्ट कल ही वीडियो बताया था, कल ही की वीडियो बताया था कि मिनी माता जो रोग होता है वो अगर कोई व्यक्ति पारा युक्त पानी अगर पीता है तो उसको मिनी माता का खतरा हो जाता, और 1965 में भी जापान में यही हुआ था, मिनी माता के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये किसका प्रदूषण होता है? तो पारद का, यानी कि पारा का प्रदूषण, मरकरी का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जाँच की जाती है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए हम लोग, आप कभी कभी एग्जाम्स में सिर्फ दे देगा BOD, ठीक है, BOD दे देता है, लेकिन ध्यान रखना अगर इस तरह से ऑप्शन हो तो आपको एक चीज़ याद रखना कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होना चाहिए। अगर अलग अलग ऑप्शन हो तो BOD आप मारकर निकल जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन सजाया गया हो तो वहाँ पे आप ध्यान रखना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि सूर्य की किरणों में पराबैंगनी किरणें होती हैं जिनका रोग कौन करता है, तो ओजोन परत कर लेता है, ओजोन लेयर कुछ किरणों को, काफ़ी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि पृथ्वी के अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाते। अगर ये प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, त्वचा का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप हम लोग O2 की घुली हुई मात्रा से करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से जल प्रदूषण का पता लगाया जाता है नदियों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? ये आपको बताना है कि वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो यार, हाइड्रोजन से क्या मतलब है, हाइड्रोजन जो होता है एक गैस होता है और ये किसी प्रदूषण से नहीं होता, और ये काफ़ी अच्छा गैस है, ये क्यों, ये तो ऐसे कि हमारे वायुमंडल के लिए एक अच्छा खासा गैस माना जाता है, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है कि वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बाकी सभी तो ऑलरेडी है ही। अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण का खतरा नहीं रहता है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, और ऐसे भी कहा जा रहा है आजकल कि जितना ज़्यादा हो सके सौर ऊर्जा का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्था जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? आप थोड़ा लुसेंट बुक को सुधार लेंगे, वहाँ पे इसका राइट आंसर दिल्ली किया गया, जो कि ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नागपुर में ये स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक जो संस्था है नेरी, ये नागपुर में स्थित है। तो लुसेंट में आप इसका राइट आंसर ए को बना लेंगे क्योंकि वहाँ पर दिल्ली किया गया, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या देखिए फ्रेंड्स कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? अगर हमारे विश्व का तापमान बढ़ने लगे तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी, जैसे कि समुद्र तल में भी वृद्धि होने लगेगा, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे, और जिसकी वजह से समुद्र तल का वृद्धि होने लगता है, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगते हैं, अच्छे खासे फसल नहीं हो पाएंगे तापमान में वृद्धि होने के कारण, और तट रेखा में भी परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी घटनाएँ हो जाएंगी। ठीक है, अगर वैश्विक तापमान के फलस्वरूप होगा तो ये सभी घटनाएं हो सकती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या बनता है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहां पर स्थित है? तो हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि जो हमारा वायुमंडल में ओजोन लेयर है वो कई प्रकार कई जगह पे छिद्र हो चुका है, तो
ये कहाँ पे पता लगाया गया था? तो अंटार्कटिका के ऊपर लगाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस के भी नाम से भी जानते हैं, या याद रखेंगे, ठीक है, मार्स गैस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो मीथेन को आप इस तरह से भी याद रख लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट यह है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये हम लोगों ने करीब बहुत बार डिस्कस कर ही लिया कि ओजोन परत किसका अवशोषण करती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पराबैंगनी किरण का, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है कि हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, अगर CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाएगी, तो वो क्या कहते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैस घनीकरण हो जाता है, और इसके कारण वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अभी हाल ही में ये सब घट रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमारे वायुमंडल का अभी जो टेम्परेचर है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2 की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसको कम करने के लिए करना क्या होगा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो होता है वो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन ये बनता है, देखिए फ्लाई एस वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो फ्लाई एस होता है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो एक प्रकार का प्रदूषण ही होता है, और ये उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये उत्पन्न होता है फ्लाई एस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पैराडॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम लोग पैन के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पैराडॉक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन कहते हैं, और ये होता है एक प्रकार का गॉड प्रदूषण, ठीक है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, वो कौन होता है? तो किसका प्रयोग करके? कैडमियम का प्रयोग करके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो एजेंसी कार्य करती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन पीस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और प्रदूषण से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, और लूसेंट में आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रोज़ाना एक टॉपिक क्लियर करता रहता हूँ। तो हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching, keep learning, have a good day.